Hello guys, welcome back again to your own channel, Know More, Enjoy More. और जो लोग पहली बार ये चैनल पे आए हैं तो उनको बता दूँ कि अगर आप विस्की लवर हो, आप विस्की एंथुसियास्ट हो, आपको विस्की पीना पसंद है या अल्कोहलिक भी हो तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही रिव्यू लाता हूँ जिसके बारे में हम वी नो मोर सो दैट वी कैन एन्जॉय मोर. तो आज जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है, आज हम लेके आए हैं बकाडी वाइट रम. तो इसके पहले कि मैं इसके डिटेल्स बताऊं, जैसा कि हम यूजुअली वीडियो में करते हैं कि कंपनी के बारे में जो बनाता है, इसका प्राइस क्या है, कहां बनती है, कैसे बनती है, अगर वो प्रोसेस के बारे में कुछ पता चले, और इसके मास्टर ब्लेंडर या मास्टर डिस्टिलर कौन है, वो सब उसके बारे में बात करेंगे. ऑफ कोर्स उसकी नोजिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, और कैसा इसका पूरा एक्सपीरियंस है वो बताएंगे. तो चलिए अब चालू करते हैं. इसमें वैसे कुछ खास बातें हैं, मुझे जहाँ तक याद है तीन इसकी बड़ी यूनिक चीज़ें हैं. तो सबसे पहले अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट करूँगा कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट वाइट रम है. राइट, यस, वर्ल्ड की फर्स्ट वाइट रम है. और जहाँ तक मुझे याद है मैंने बकाडी वाइट रम नहीं पी है, मैंने पी भी थी तो वो शायद ओल्ड मोंग की ही वाइट रम थी. ठीक है, वो भी बहुत पहले. तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये बनती है क्यूबा में. क्यूबा में बनती थी, इसका स्टार्टिंग क्यूबा से हुआ लेकिन उसके बाद पुर्तो रिको चले गए ये लोग. तो अगर इसकी अब एक और जो खास बात है, जो दूसरे नंबर की खास बात है, कि इसे बनाते हैं बकाडी के पूरी फैमिली. सो दिस इज़ एक्चुअली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी. मतलब एक ही फैमिली बनाती है पूरी इसका, यू नो, जितने बकाडी के वेरिएंट्स बनते हैं. तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जिसे एक ही फैमिली संभालती है, तो वो बहुत अच्छी बात है. दूसरा, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा अवार्डेड कंपनी है ये, जिसको कि सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं इसके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उसको सबको मिला के. और जहाँ तक मुझे याद है 200 प्लस इसके वेरिएंट्स हैं, इसमें अलग अलग इसके वो बनते हैं. और ये ना सिर्फ इंडिया में फेमस है पर वर्ल्ड वाइड फेमस है. तो जैसा अपने OSBBI में हमने देखा था, ओवरसीज ब्रांड बॉटल्ड इन इंडिया, ये उसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसका एक फॉरेन वेरिएंट अवेलेबल है और एक इंडियन वेरिएंट. मेरे पास जो है वो इंडियन वेरिएंट है, जो कि मैं जो पढ़ रहा था, ये बॉटल होता है, इसका ऑफिस है ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली, GK में. भाई GK कौन सा है, पार्ट 1, पार्ट 2, GK पार्ट 2 में खूब घूमे भाई वहाँ. चलो, तो ये हो गया इसका थोड़ा बहुत इसके बारे में. तो दो बातें मैंने यूनिक आपको बता दी हैं. तीसरी बात इसकी ये है कि इसमें इसका जब फर्मेंटेशन होता है तब इसमें एक स्पेशल यीस्ट यूज़ करी जाती है, जिससे कि इसको इसका यूनिक, यू नो, टेस्ट मिलता है, इसका वो आता है. ऑफ कोर्स उसके बाद, जैसे आपको पता है कि बकाडी अपने सारी रम्स को, मोस्टली मेरे ख्याल से सारी रम्स, इसके पहले जो हमने किया है ब्लैक का और गोल्ड का, बकाडी ब्लैक और बकाडी गोल्ड का रिव्यू, उसमें भी चारकोल फिल्टरिंग थी और इसमें भी चारकोल फिल्टरिंग है. तो अगर आपने बकाडी गोल्ड और ब्लैक का रिव्यू नहीं देखा है तो या तो मैं ऊपर कार्ड्स में डाल दूंगा और नहीं तो एंड स्क्रीन में आ जाएगा. और अगर उतना भी नहीं हुआ तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स डाल देता हूँ, आप जो भी आपकी अच्छी दारू आपको जो पसंद है आप उसमें से जाके आप देख सकते हो. तो ये तो हुई इसकी बात. अब इसके प्राइस के बारे में अगर बोलें तो इसकी प्राइस है 381 फॉर अ क्वार्टर, नहीं दिखेगा मेरे को पता है, और हाँ तो 381 क्वार्टर का है. तो वही 1600 तक की फुल बॉटल होगी, जो कि अब बढ़ के मुझे लगता है वही 1800-1900 टचिंग हो गया होगा. ऑलराइट, तो दो खास बातें हो गई थी, शायद एक बात अभी भी बाकी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ. तो जो तीसरी बात है वो है इसके ये जो साइन है, इसका कंपनी का जो लोगो है, बैट जो कि हर उसमें दिखता है बॉटल में, तो उसके पीछे एक बड़ी खास बात है मैं जो पढ़ रहा था.
तो इन्होंने जो अपना पहला डिस्टिलरी बनाया वो बनाया वही सेंटियागो क्यूबा में। और इन्होंने एक्चुअली जो एल कोको थे, एल कोको नहीं, एल कोको तो ये पाम ट्री का नाम है, जो बकाड़ी जिन्होंने चालू की, जैसे मैंने बताया फैमिली बिजनेस है, तो दादा परदादा, उनके परदादा, दादा दादा, ऐसे करके चल रहा है। तो जिन्होंने जो फर्स्ट थे फैमिली जिन्होंने इसको चालू करा, वो एक्चुअली एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ की अपनी वो ब्रूरी या डिस्टिलरी चालू करें। अब उस टाइम हुआ क्या कि खूब सारा, आपको पता है ये चालू कब हुआ था, 1862 में। तो उस समय ये वर्ल्ड वॉर्स चल रही थी, अर्थक्वेक का टाइम चल रहा था, सिविल वॉर चल रही थी। और उसके बाद हुआ क्या कि एक ये डिस्टिलरी फायर भी आई इसमें, राइट। तो अब इस चक्कर में ये हुआ कि इनको जगह ही ना मिले, जहाँ भी जाएं या तो वो जगह पूरी टूट गई हो या ख़राब हो, या इनको मिले ही ना। लास्ट में जाके इनको जो एक डिस्टिलरी मिली, जो कि एक बोल सकते हैं बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी, एकदम खंडर टाइप बिल्डिंग थी, तो उसके उसमें इन्होंने चालू किया। और तो वो एक तो पुरानी बिल्डिंग में इन्होंने चालू किया, वहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स ने एक प्रॉब्लम नोटिस करी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको छेड़ेंगे नहीं। वो था कि वो पूरी बिल्डिंग में बैट्स ही बैट्स थे, हर जगह चमगादड़ ही चमगादड़ थे। तो इन्होंने चमगादड़ों के साथ अपनी डिस्टिलरी चालू करी, और जैसा मैंने बताया आपको कि ये वर्ल्ड फेमस हो गई, तो उन्होंने बैट्स को अपना गुड लक माना, अपना गुड चार्म, गुड लक ये माना, और बैट्स को हटाया नहीं, रहने दिया, और उसी में इन्होंने अपना डिस्टिलरी चालू किया। तो ये थी शायद इसकी सारी खास बातें। जैसा आप जानते हो वाइट रम है, तो इसका टेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि न्यूट्रली होगा। मोस्टली इसको आप कॉकटेल्स के लिए यूज़ करेंगे, और उसके लिए तो चलो जल्दी से आप खोल लेते हैं देसी स्टाइल में। तो वैसे इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, जस्ट फॉर स्टाइल कुछ कुछ अलग करते रहना चाहिए। और भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पता ही है, जब मैं पोर कर रहा हूँ तब तक आप कर दो सब्सक्राइब, कर दो लाइक वीडियो को। सब्सक्राइब करोगे तो फ़ायदा मैंने बताया इतनी बार, यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सीधा आपको आपके वॉल पे मिलेगा वीडियो जब भी मैं कोई नया डालूंगा, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, नोटिफिकेशन सीधा आपके पास आएगा। चलिए जी, तो आ जाते हैं अब इसकी नोजिंग में। अभी खोली है मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़े देर या थोड़ा टाइम इसको वो रखें, जब तक इसका कलर देख लो। कलर एकदम ही ट्रांसपेरेंट है, कुछ है ही नहीं, मतलब पूरा पानी जैसा ही है, राइट। बॉडी इसकी मेरे को थोड़ी हैवी साइड में लग रही है, क्योंकि लेग्स बन रहे हैं। आई होप कि कैमरा दिखाए, नहीं दिखाएगा तो इसका फोकस मुझे। चलो पता नहीं, मैं ही शायद आउट ऑफ फोकस ना हो जाऊँ। तो जल्दी से इसकी नोजिंग करते हैं। ओके, सीधा स्पिरिट और एक अल्कोहल का किक आ रहा है इसमें। ज़्यादा कुछ है नहीं, हल्का सा वनीला वनीला मेरे को लग रहा है, और वैसे इसकी बॉटल में भी लिखा है, तो मुझे लग रहा है ये स्वीट होगी। तो बॉटल में इसके ये लिखा था जी, बकाडी काटा ब्लांका हैज़ बीन ब्लेंडेड बाय मास्टरोस डी रॉन बकाडी। डी रॉन बकाडी ने बनाया इसे। दिस रम हैज़ लाइट वनीला नोट्स डेवलप्ड इन ओक बैरल्स, ये मैंने आपको बता ही दिया, एंड इज़ परफेक्ट फॉर मिक्सिंग। तो कंपनी भी यही बोलती है, भाई मिलाओ मिलाओ, कॉकटेल बनाओ। और हाँ, प्राइस मैंने बता दिया। इंग्रेडिएंट्स हैं इसके डी मिनरलाइज्ड वाटर, न्यूट्रल स्पिरिट एंड मेच्योर्ड रम स्पिरिट। सो न्यूट्रल स्पिरिट मतलब मोलासेस है, मेच्योर रम स्पिरिट मतलब इसका रम का जो ब्लेंड है वो होगा। ओके गुड, तो नोजिंग कर लिया है, नाइस।
चलो गाइस चेस, मैं डालता हूँ पहला सिप। बहुत ही स्मूथ है, स्वीटनेस आई मुझे हल्की सी, वो स्पिरिट की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो अल्कोहल वाला फीलिंग है, ठीक ठाक है इसमें। थोड़ा पानी मिला के देखते हैं। ओके, पानी मिलाने से, थोड़ा पानी मिलाने से ये होता है कि आपकी विस्की या रम या जो भी आप पी रहे हो, जिन वोडका, वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है। अभी दिस बीइंग वाइट रम, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाए, थोड़ी वाटर डाउन हो जाए। तो देखें इसमें क्या नोट्स आते हैं। नहीं, ज़्यादा कुछ बदला नहीं, वही सेम आ रहा है। ओके, अभी वही वाटर डाउन होने की वजह से ये और स्मूथ हो गई है, पर वो अल्कोहल वाला एक हल्का सा किक, स्पिरिट वाली जो टेस्ट है वो, और बहुत ही हल्का वनीला। इन बॉटल में तो वैसे लिखा है कि नोट्स आएंगे वनीला के, पर मुझे लग रहा है कि बहुत हल्का सा ही है वनीला। और जैसे मैंने बोला पहले स्टार्टिंग में कि न्यूट्रल स्पिरिट है तो न्यूट्रल, सॉरी वाइट रम है तो न्यूट्रल ही टेस्ट होगा इसका। ज़्यादातर आपको मेन वही होगा कि मिक्सिंग के लिए अच्छा यूज़ आएगा। एक और लास्ट मार के, पानी मिलाने से भी स्ट्रॉन्ग है। इसका लिंगरिंग टेस्ट है, क्विक फिनिश नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत लिंगरिंग टेस्ट है तो वो अच्छा है। और यही है भाई, तो जैसे मैंने बताया बकार्डी वाइट रम का रिव्यू आज किया है, इसके पहले बकार्डी गोल्ड और बकार्डी ब्लैक का हम कर चुके हैं। तो कैसा लगा बताना, मैं तो पूरा ट्राई कर रहा हूँ भाई, जितना हो सके उतना लाला के जल्दी से वीडियो बनाऊँ। कई लोग बोल रहे हैं कि ड्रिंक मोर रिव्यू मोर, तो करते हैं, सब करते हैं, पर आप लोग अपने सजेशंस देते रहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक करेक्ट बनता है आप लोगों के साथ। तो क्या अच्छा लग रहा है, क्या पसंद करेंगे बताइए, वही करते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है, दो पैक मस्त आराम से। चलो टेक केयर, बाय बाय।